मंडी जिला में क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान के सदस्यों ने हिमाचल अधिकार आंदोलन के तहत सेरी चांदनी में दो दिनों का आमरण अनशन किया। अनशन को समाप्त करने के उपरांत देशा शर्मा ने बताया कि अब इन मांगों को लेकर जिला के छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाएगा और जिला के हर कॉलेज में 24-24 घंटों के लिए सत्याग्रह किया जाएगा। हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभियान के सदस्य देशा शर्मा ने प्रदेश सरकार की हाल ही में हुई संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंडी में खुलने वाली क्लस्टर और मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में कोई फैसला न लेने से अब अपने आंदोलन को और तेज करने का मन बना लिया है। मंडी में अपने अनशन को समाप्त करने के उपरांत देशा शर्मा ने बताया कि अब इन मांगों के लिए जिला के छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाएगा और जिला के हर कॉलेज में 24-24 घंटों के लिए सत्याग्रह किया जाएगा। इसके माध्यम से यहां के छात्रों को मंडी जिला में खुलने वाली क्लस्टर और मेडिकल यूनिवर्सिटी से यहां के लाखों छात्रों को होने वाले बेनिफिट के बारे में बताया जाएगा और उन्हें इस आंदोलन के लिए लामबंद किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, उसमें मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई गौर नहीं किया गया, जिसको लेकर के हिमाचल अधिकार आंदोलन और तीव्र करते हुए हमारी जो अभियान की जो कोर समिति है उसने ये फैसला किया है, ये जनता के आह्वान पर कोर समिति ने ये फैसला किया है कि ये जो आंदोलन है ये द्रंग में बासा में सुंदरनगर में और नेर चौक में इसमें एक एक 24-24 घंटे का सत्याग्रह किया जाए और उसके बाद 23 मई को इसी मंच पर अगर सरकार नहीं मानती है तो इसी मंच से हम दोबारा से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करके सर इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी की मंजूरी दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। देशा शर्मा ने प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने में लगी है और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ प्रदेश में शराब कैसे बेची जाए इन्हीं बातों में लगी है, जिस कारण मंडी में क्लस्टर और मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने में नाकाम साबित हुई है। अब इन्होंने सरकार को 23 मई तक का समय दिया है और चेतावनी दी है कि अगर फिर भी सरकार ने मंडी में क्लस्टर और मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा नहीं की तो सेरी चांदनी में फिर से आमरण अनशन किया जाएगा। देशा शर्मा ने बताया कि हिमाचल अधिकार आंदोलन को तेज करते हुए बासा कॉलेज में 9 को, सुंदरनगर कॉलेज में 12 को, नेचौक में 16 को और द्रंग कॉलेज में 19 मई को सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा और यहां के कॉलेज में छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाएगा और एक बड़े आंदोलन के लिए उन्हें लामबंद किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों को, अस्पतालों को और यूनिवर्सिटियों को बढ़ावा देने के लिए हजारों स्कूल बंद करने का काम कर रही है और इसके उलट जो शराब के ठेके खोलने का काम कर रही है, जो कि एक तालिबानी कदम है और शिक्षा की विरोधी सरकार बन रही है, जिसके खिलाफ हम जो छात्र हैं और जो उनके अभिभावक हैं जनता की चिट्ठियां स्थानीय विधायकों और मंत्रियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को भिजवाएंगे और ये जो हमारा जो सत्याग्रह है ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी की, जो कि द्रंग बासा सुंदरनगर और मंडी में खुलने वाली थी, और जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है जब तक कि इसकी अधिसूचना जारी करके इसकी मंजूरी नहीं मिल जाती। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।